राजस्थान से एक दर्दनाक घटना सामने आई है, जहां कार के आगे चल रहे एक ट्रक में कार घुस गई, जिससे दोनों वाहनों में जबरदस्त टक्कर हो गई और फिर आग लग गई, जिसके कारण दोनों वाहन जलकर खाक हो गए और उनमें सवार 7 लोग जिंदा जल गए। वहीं इस घटना से पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। मिली जानकारी के अनुसार ये घटना राष्ट्रीय राजमार्ग पर हुई है। बता दें कि कार में गैस किट लगा हुआ था और ट्रक मेडिकल कॉटन यानी रुई से भरा हुआ था। फिलहाल हादसे में मरने वालों की पहचान नहीं हो पाई है। आपको बता दें कि आज राजस्थान के सीकर जिले में भीषण सड़क हादसा हो गया, जिसमें जयपुर बीकानेर राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार आगे चल रहे ट्रक में जा घुसी। इससे दोनों वाहनों में जबरदस्त आग लग गई और आग ने देखते ही देखते दोनों वाहनों को पूरी तरह से अपनी चपेट में ले लिया। इससे दोनों वाहन जलकर खाक हो गए और उनमें सवार 7 लोग जिंदा जल गए। बताया जा रहा है कि कार सवार लोग उत्तर प्रदेश के हैं, तो वहीं मृतकों में 2 बच्चे भी शामिल हैं। और ऐसे में पुलिस के अनुसार हादसे की आवाज सुनकर लोग चौंक गए, कोई कुछ समझ पाता, उससे पहले ही कार और ट्रक आग की लपटों से घिर गए। आग इतनी भीषण थी कि लोग कुछ नहीं कर पाए। हालांकि ये इलाका फतेहपुर कस्बे से बिल्कुल सटा हुआ है और यह अच्छी खासी चहल पहल रहती है, तो वहीं हादसे की सूचना मिलते ही फतेहपुर पुलिस मौके पर पहुंची और भीड़ को वहां से हटाया गया, जिसके बाद फायर ब्रिगेड पहुंची, लेकिन तब तक सब कुछ खत्म हो चुका था।